आप सबने रामायण की कहानी तो सुनी ही होगी, कैसे रावण श्री राम की पत्नी सीता का अपहरण कर उन्हें लंका ले जाता है और फिर श्री राम अपने भाई लक्ष्मण के साथ और बाकी लोगों की मदद से अपनी धर्म पत्नी को रावण से लड़ बचा लाते हैं। इस पूरे महायुद्ध में कई किस्से कहानियां हैं और आज मैं आपके लिए ऐसा ही एक मजेदार किस्सा लेकर आया हूँ। हम जानेंगे क्या सही में जब राम के भाई लक्ष्मण मरने वाले थे तब हनुमान हिमालय की चोटी से एक पहाड़ उठा लाए। साथ ही हम ये भी जानेंगे कि श्रीलंका में मौजूद इस रहस्यमय पहाड़ की आखिर क्या है कहानी, क्या ये वही संजीवनी बूटी का पहाड़ है। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें क्योंकि ये बहुत ही मजेदार होने वाली है। तो बिना किसी देरी के लेट्स बिगिन। भगवान राम और रावण के बीच 7 दिन तक घमासान युद्ध हुआ। तीनों लोक, सातों आसमान, पूरा ब्रह्मांड इस युद्ध की गूंज से कांप रहा था। एक के बाद एक युद्ध में रावण अपने वीर योद्धाओं को गिरता देख रहा था। रावण के मुख्य सेनापति यानी कमांडर इन चीफ प्रहस्थ, अखंपन, भूम राक्षस और महोदर चारों मारे जा चुके थे। इवन उसके अपने बेटे अक्ष, अतिकय, त्रिशीश, नारंतक, देवांतक और भाई कुंभकर्ण मत और यदोमत ये सब भी अपनी जान गवा चुके थे। कालब रावण के 10 सर पर मंडरा रहा था। समय आ गया था रावण के लिए अपने सबसे शक्तिशाली योद्धा को रणभूमि में लाने का। अब बारी थी उसके बेटे मेघनाथ की। रावण बहुत इंटेलिजेंट था। उसे ना ही सिर्फ मंत्रों की विद्या थी बल्कि वो एक बहुत ही बड़ा एस्ट्रोलॉजर भी था। जब उसकी वाइफ मंदोत्री प्रेग्नेंट हुई अपने पहले बच्चे के साथ, रावण ने तब अपनी साइकिक पावर से सारे नक्षत्र की अलाइनमेंट ऐसी करी कि बच्चे की कुंडली महाशक्तिशाली बनी। और जब बच्चा पैदा हुआ तो वो रोया नहीं बल्कि मेघ की तरह गरजा और तब उसका नाम पड़ा मेघनाथ। मेघनाथ बड़ा होकर शक्तिशाली वॉरियर बनने के साथ तंत्र मंत्र और इल्यूजनरी वॉरफेयर का ग्रैंड मास्टर बना। तो मेघनाथ मेघ की गरज के साथ युद्ध में उतरा। एक ही झटके में उसने वानर सेना के लाखों वानर मार गिराए। लक्ष्मण ने ये देख मेघनाथ पर अटैक किया पर वो अपने इल्यूजनरी टेक्निक से हर बार बच जाता। आखिर में मेघनाथ ने अपने सबसे खतरनाक वेपन एक शक्तिशाली देवयस्त्र निकाला। एंशियंट इंडियन टेक्स्ट में बहुत से देवयस्त्र यानी सुपर नेचुरल वेपन्स का रेफरेंस है। इन वेपन्स को एक शक्तिशाली और डिजर्विंग वॉरियर ही यूज कर सकता है। इसके वार से ना सिर्फ इंसान की मौत होती है बट उन सब एलिमेंट्स की जिनसे इंसान बनता है। मेघनाथ के देवयस्त्र ने लक्ष्मण को बुरी तरह घायल कर दिया। भगवान राम के कैंप में हड़कंप मच गया। लक्ष्मण मौत के करीब थे और तब हनुमान को फौरन बुलाया गया। उन्हें तुरंत हिमालय में द्रोणागिरी पर्वत के बारे में बताकर लक्ष्मण की जान बचाने के लिए संजीवनी बूटी लाने को बोला गया। बिना समय व्यर्थ करे हनुमान जी ने उड़ान भरी पर जब तक वो हिमालय पहुंचे सूरज ढल चुका था। अंधेरे में उन्हें संजीवनी बूटी की पहचान नहीं हो रही थी और अगर वो सुबह तक वापस लंका ना पहुंचे तो लक्ष्मण का बचना मुश्किल था। ऐसे में हनुमान ने पूरा पहाड़ उठा लिया और पहुंच गए लंका, जिसके बाद संजीवनी बूटी की मदद से लक्ष्मण की जान बचाई जा सकी। नाउ द क्वेश्चन इज, क्या ये सब कुछ सच है? रामायण हुई थी इसके तो हमें काफी सबूत मिले हैं, जैसे कि राम सेतु पुल की एग्जिस्टेंस के एविडेंस। तो क्या सही में हनुमान ने कितना बड़ा पहाड़ हिमालय से उठाकर लंका ले आए, क्या इसका कोई सबूत है? इस गुत्थी को सुलझाने के लिए आइए दोस्तों चलते हैं हम लोग श्रीलंका, क्योंकि वहां पर है एक ऐसा पहाड़ जिसने सबके होश उड़ा दिए। श्रीलंका की कैपिटल कोलंबो से 100 किलोमीटर दूर एक बहुत ही फेमस शहर है। इस शहर का नाम है उनावाटूना। सिनेलिस में इसका मतलब है देयर इट फेल, यानी वहां वो गिरा। तो सवाल है क्या गिरा और कहां से, और इसका रामायण की कहानी से क्या संबंध है? इस शहर में एक बहुत ही अनोखा पहाड़ है जिसका नाम है रूमासल्ला। यह पहाड़ अपने आप में काफी रहस्यमय है। इस पर उगने वाले पेड़ पौधे या वनस्पति बहुत ही अनोखे हैं और इस पहाड़ के अलावा वो पूरे लंका में कहीं और नहीं उगते। तो आखिर ये पहाड़ यहाँ क्या कर रहा है आसपास के बाकी पहाड़ों से एकदम अलग? ये यहाँ कैसे आया और कहाँ से आया? जब रिसर्चर्स ने इस पहाड़ पर रिसर्च करी तो उन्हें 150 प्रकार के मेडिसिनल पौधे मिले, यानी ऐसे पौधे जिनका इस्तेमाल दवाई बनाने में होता है। ये सब या तो सिर्फ इस पर्टिकुलर पहाड़ पर पाए गए या फिर हिमालय के पहाड़ों पर। तो क्या आज भी इस पहाड़ पर संजीवनी बूटी मौजूद है? लोकल लेजेंड्स का कहना है कि जब हनुमान द्रोणागिरी का पहाड़ लेकर उड़े
तो उसके कुछ टुकड़े इधर उधर गिरे। सो क्या ये पॉसिबल है कि एक टुकड़ा रूमा सल्ला में भी गिरा? सिर्फ इतना ही नहीं, सर आर्थर सी क्लार्क एक बहुत ही फेमस ब्रिटिश साइंस फिक्शन राइटर और रिसर्चर, उन्होंने अपने जीवन के 50 साल श्रीलंका में गुजारे और तरह तरह की रिसर्च को अंजाम दिया। उन्होंने रूमा सल्ला पर जब अपनी खोज करी तो ये डिस्कवर किया कि इस पहाड़ में पिक्यूलर मैग्नेटिक पावर्स है, यानी कि अगर कोई भी सैटेलाइट डायरेक्टली इस पहाड़ के ऊपर से गुजरे तो अपना रास्ता भटक लेगी। मानो या ना मानो दोस्तों, पर कुछ तो राज है इस पहाड़ का। हजारों सालों से इंसान संजीवनी बूटी को ढूंढने की कोशिश कर रहा है, इवन आज भी बहुत सारे ऐसे मिशन चल रहे हैं सिर्फ और सिर्फ संजीवनी बूटी को ढूंढने के लिए। तो गाइज ये थी हमारी आज की वीडियो। वीडियो को एंड करने से पहले मैं आपको हिमालय से रिलेटेड एक और छोटा सा किस्सा सुनाऊंगा जो मैंने आज से काफ़ी साल पहले सुना था। अब पता नहीं ये सच है या झूठ, बट इट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग। कई साल पहले एक अंग्रेज हिमालय पर मेडिसिनल प्लांट्स पर रिसर्च करने गया था। वो रोज अनोखे प्लांट्स की खोज में निकलता। अपनी जर्नी के दौरान वो कुछ पौधों की पत्तियों को चबाकर देखता था कि उनसे क्या होगा। पहले कुछ दिन तो ऐसा कुछ खास हुआ नहीं, पर एक दिन जब वो निकला अपनी खोज में, उसने ऐसे ही एक पौधे की पत्ती को तोड़कर खा लिया। जब शाम को वो अपने घर पहुंचा तो उसने जो देखा उसे देखकर उसका दिमाग हिल गया। उस आदमी के बाल भूरे रंग के थे, पर शाम को जब उसने शीशे में खुद को देखा तो उसके बाल एकदम डार्क ब्लैक हो चुके थे। इसके बाद उस अंग्रेज ने वापस सभी रूट्स पर जाकर उस प्लांट को खोजने की बहुत कोशिश करी, जिससे ये चमत्कार हुआ, बट उसे वो नहीं मिला। उसने बताया कि हो सकता है कि ये किसी एक पर्टिकुलर प्लांट से हुआ हो या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ सम प्लांट्स, बट व्हाट द ट्रुथ इज वी माइट नेवर नो। सो गाइज ये थी हमारी आज की वीडियो संजीवनी बूटी के पहाड़ के ऊपर। आई होप आपको ये वीडियो देखकर अच्छा लगा और कुछ नया सीखने को मिला। अगर ये वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप ऐसी और अमेजिंग वीडियोस देख सकें।